डिवाइन फेमिनिन को कहीं से भी मदद नहीं मिलती। स्पिरिचुअल स्वर्णा जी के वीडियो से मैं बहुत इंप्रेस हूँ कि देखो मैं ना पिछले 15 दिन से आई थिंक मुझे लग रहा है नारियल पानी ने ही मुझे बचा के रखा है, क्योंकि खाना बनाने के लिए लिटरली मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं पोहा भी बनाऊँ। ओके, पोहा ख़त्म हो गया था, फिर नौकर तो सुबह आता है। और परसों पता है मैंने सब तैयारी कर ली, भरता बनाऊँ, रोटियाँ बनाऊँ और सिलेंडर ख़त्म, वो सब मैंने नीचे दे दिया और मैं बिना खाना खाए ही निकल गई, कुछ बना ही नहीं पाई। फिर कल वापस आती हूँ तो जो है उपवास है सोमवार, सिलेंडर ख़त्म। फिर आज सुबह नीचे से ऊपर लाया गया सिलेंडर और नीचे जाकर अगर मैं पकाऊँ तो झगड़े, तो यहाँ पे ना कोई होटल है ना कुछ और है। आज सुबह है, आज फिर हड़ताल का उपवास है। तो ये देखो घटिया कार्मिक कितने घटिया होते हैं, मुझे कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े मेंटल स्टेटस दिखाने के लिए कि मेरा मेंटल, मतलब मैंने सोचा कि मैं कोर्ट में दिखा दूँ कि मैं मेंटली एकदम स्टेबल हूँ। तो मैंने ही जज को बोला था देखो केस तो मैं जीत जाऊँगी अभी, क्योंकि क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया है मुझे गवर्नमेंट के थ्रू कि मेंटली मेरा सब कुछ अच्छा है। लेकिन कितनी परेशानियाँ पता है, कितनी कितनी परेशानियाँ वहाँ पे मुझे 5-6 बार बुलाया गया। फर्स्ट टाइम तो ऑर्डर, वो मैं गई कोर्ट में तो कहा गया कि कोर्ट के थ्रू कोई लेडी आएगी और वो जो है ऑर्डर देगी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को। तो वो लेडी बोली नहीं मैं आज घूमने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं फिर शिरडी चली गई, वहाँ पे कृष्ण जन्म अटेंड कर लिया, दूसरे जन्म फिर वापस आई और फिर वो लेडी आई तीसरे दिन। फिर मैं उसको लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे उसने दिया तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलता है नहीं 1 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे, आपको जो है सोमवार को ही आना पड़ेगा, 9 बजे ही आना पड़ेगा। 9 बजे मुझे कौन लेके जाएगा, 9 बजे मैं कैसे प्रेजेंट हो सकती हूँ, 300 किलोमीटर दूर आप 9 बजे कैसे जा सकते हो। मुझे रात को नाइट को रेलवे स्टेशन सोना पड़ा 5 बारों के, 5 दिन बुलाया तो 5 बार, क्योंकि जाएंगे का। और मेरे रिलेटिव्स उनको तो मैंने मृत घोषित कर दिया है, वो मेरे कभी किसी काम आ नहीं सकते, वो सिर्फ जो है भूत बन के मुझे सिर्फ परेशान कर सकते हैं, काले जादू कर सकते हैं बस। मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें मेरे बाल जो है कंघी में बिल्कुल फंस चुके थे, इतने बेरहमी से फंस गए थे कंघी में। और मैंने देखा कि मेरे फादर आए और वो बाल जो है कंघी से छूट गए। फिर मैं जो हूँ भगवान के मंदिर के परिक्रमा कर रही हूँ और परिक्रमा करते ही मेरी आँखों के सामने बिल्कुल जैसे मखमली बाल वाले कुछ ऐसे तितलियाँ उड़ने लगी 3-4, कहीं ना कहीं वो मुझे बताने लगी कि मैं तुम्हारे एंजल्स जो है हम तुम्हारे साथ है। तो इस ड्रीम का मतलब क्या है बताती हूँ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उन्होंने तो मेंटल चेकअप कराना था, लेकिन उन्होंने जो है ब्लड यूरिन और ECG एक्सरे और मेंटल ये सब डाल दिया। तो मैंने बाकी सारे मेरे क्लियर हो रहे थे तो ECG में करने गई तो मुझे पता ही नहीं था कि ECG होता क्या है। तो वहाँ पे तो एक तो गवर्नमेंट मतलब चलो वहाँ पे तो कुछ नहीं, जहाँ पे ECG करना है वहाँ पे बड़ी सी विंडो, उसमें मतलब कुछ बाहर वाले सब आपको देख सकते हैं। तो और वो दो लेडीज़ और एक जेंट्स जो टेक्नीशियन था वो जेंट्स, और उनका कहना था बस मतलब पूरा ओपन करके वो ECG। तो मैं एकदम शॉक हो गई, बाप रे, मुझे लगा अब मैं केस हार गई। और मेरे फादर को भी लगा अब ये जो है क्योंकि शायद ये कोऑपरेट ना करे और इसका तो ECG होगा नहीं। तो मैंने कहा मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं देखा है, मेरी माँ तो पहले मतलब देखा है मैंने ना, मेरी माँ को मैंने देखा है ना उसने मुझे देखा है बड़े होने के बाद। तो हस्बैंड तो मेरा हिजड़ा ही था तो मैं नहीं कर सकती ये प्रोसेस, ऐसा मैंने उनको कहा कि अगर कोई लेडीज़ सिर्फ लेडीज़ मुझे अटेंड करे तो मुझे चलेगा, बट इस तरह किसी के सामने नंगा होना पसंद नहीं। तो मुझे लगा अब मैं गई काम से, लेकिन मेरे फादर ने वो मैनेज किया।
एक गांव, क्योंकि वो टेक्नीशियन ने फिर बोला कि आप एक काम करो कि पेपर तो एक ही निकलता है ना ECG का, आप कहीं और से लेके आओ जहाँ पे लेडीज़ करती हो, मैं वहाँ पे उसके ऊपर जो है साइन कर दूँगा। तो मैंने बोला कि मैं तो मेंटल के लिए आई हूँ, मुझे बेकार में ये सारी चीज़ें क्यों करवाई जा रही है। और बाकी लोगों का ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आए थे जो कि जिनका जो है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए था, मेंटल ये सब, क्योंकि उनको जॉब पे लगना था। बहुत सारी लेडीज़ को गवर्नमेंट जॉब पे, जो MPSC वगैरह ऐसी परीक्षाएं पास होती है ना, उनके लिए, किसी भी के लिए भी, तो उनका तो ठीक है, उनको जॉब मिलेगा, मैं बेवजह नंगा क्यों हूँ। तो मैं मतलब मुझे इतना गुस्सा आ गया कि इस ये प्रोसेस क्यों डाला है। तो मैंने सोच लिया कि मैं उनको बोल दूंगी कि आप जितना रिपोर्ट है उतना जज को भेजो, जज आपको कभी नहीं बोलेगा कि ECG का रिपोर्ट क्यों नहीं लाए हो आप। तो जैसे तैसे वो मैनेज हो गया, और फादर ने फिर जो मेरे गांव में एक लेडीज़ थी वहाँ पे ECG में ओनली लेडीज़ थी, फिर उससे जो है ECG मेरा करवाया और उसका रिपोर्ट जो है मैंने वहाँ पे दे दिया। वहाँ पे मुझे कसम फिसम खानी पड़ी कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा ही ECG है। तो वो कंघी में जो बाल अटके थे वो फादर आते ही निकल गए, मतलब ECG मेरा, ECG की वजह से वो अटक गया था और शायद वो हो नहीं पाता था। फिर वो जो फादर आए और उन्होंने जो है उस प्रोसेस से मुझे मदद की। देखो, लेडीज़ के लिए सिर्फ नाम के लिए सुविधा बनाई गई है, उनके हाथ में कोई भी सुविधा नहीं। ओके, मैंने मतलब मुझे बताइए कि क्या फ़र्क पड़ जाता अगर टेक्नीशियन वहाँ पे लेडीज़ होती। अच्छा है ना, हर एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप पूरा स्टाफ लेडीज़ के लिए टेक्नीशियन, तो एक लेडीज़ को काम मिलेगा ना उसकी वजह से। और पता है वो डॉक्टर ने लास्ट में मुझे क्या कहा कि आप जो है अपने दिमाग से ये सब निकाल डालो तो आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। क्यों भाई, मैं क्यों निकालूँ? एक तो औरतों के लिए कोई एक कानून बनाओ ना, मतलब लोग जो है अपने मतलब के हिसाब से कानून बनाते हैं। किसी धर्म में भी कानून बनाया गया तो अपने मतलब के हिसाब से बनाया गया है, उसको बुरखे में डालो। या लेडीज़ को शर्म हया रखनी चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए, और डॉक्टर बोलता है उसको बेशरम होना चाहिए तो आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा। तो ये कैसा रूल है, क्या रूल है? ओके, तो मतलब उसकी राय भी पूछो कि उसको पूरा बुरखे में रहना है, क्या उसको गर्मी नहीं होती? मुझे पूरे कपड़े, मतलब कॉटन, कल तो मैं ऐसे कपड़े पहने जैसे मतलब कोई फेंक दे, इतनी गर्मी मुझे हो रही थी। तो मैंने बिल्कुल एक पतला सा पंजाबी ड्रेस पहना ताकि मुझे गर्मी ना हो। तो सोचिए, जो औरत बुरखे में हो उसको क्या तकलीफ़ होती होगी अगर उसकी गर्मी की तबीयत हो। और वो इतनी डरपोक हो चुकी है मुस्लिम लेडीज़ कि वो लेडीज़ हॉल जो होता है, रेलवे स्टेशन में लेडीज़ हॉल था, पूरी की पूरी लेडीज़ है वहाँ पर भी वो बुरखा डाल के बैठी है। मैं उनको बोलती हूँ, हे माँ, तुझे गर्मी नहीं होती है, यहाँ कौन मर्द है जो तुझे देखेगा, और निकाल वो बुरखा। तो भी वो कुछ ना कुछ रखती है, खाली मुँह निकालती है। फिर एक किस्सा बताती हूँ, रेलवे में ही लेडीज़ रूम में ही एक मुस्लिम लेडीज़ बैठी थी, और वो जो थी पूरा बुरखा वुरखा डाल के थी पूरा, और खिड़कियाँ बंद की थी। मुझे बहुत गर्मी होती है, मैंने वो खिड़की ओपन की तो वो बंद करने लगी। मैंने कहा, भाई इतनी गर्मी हो रही है, इतना तो बुरखा बुरखा लपेट लिया है, अब खिड़की तो खोलने दो। तो वो बोलती है, मेरा जवाई बाहर है। तो वो इतना डर रही थी, मतलब डर ना जाने दो, शर्मा रही थी उस जवाई को देख के, और पूरा खिड़की लगा लिया। मैंने कहा, भाई तुम्हारा जवाई है, लेकिन इतना शर्माना, वो भी जवाई से, वो तो इतना तुमने बुरखा डाल लिया, पूरे बॉडी को लपेट लिया है, अब खिड़की से क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट में उसने मुझे वो खिड़की खोलने ही नहीं दिया। मैंने मुझे इतना हंसी आया कि देखो यार, जवाई तो बेटे के समान होता है ना, तो ये क्या औरतों को इतना मतलब ऐसे इनके संस्कार बना दिए कि उनको शर्म आती है, और कहीं कहीं पे अलग ही संस्कार है कि औरतों को शर्म ही नहीं आती। ओके, तो ये अपने मतलब के हिसाब से कैसे रूल बनाए गए हैं।
और एक है कि देखो इसमें भी लेसन्स है, क्यों मुझे ये चक्कर करवाए गए, जबकि भगवान मगर मुझे अगर इसी चीज़ों से पैसे दे रहा है, मेरा वर्क शुरू हो चुका है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे अब मेरे हस्बैंड के पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर इसी तरह मुझे अपने पैसे मिलते हैं तो ओके तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सचमुच इसमें लेसन्स थे। जो नाइट को मुझे रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा, वहाँ पे मैंने एक मुस्लिम लेडीज़ का देखा कि वो बहुत हिंदुओं का जैसे बोल रही है, तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रही है, आपके लोग तो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया वो अपने धर्म के लिए कुछ भी सुनते नहीं हैं। तो मैंने उन्हें कहा हाँ, हमारी औरतों को इतनी समझ ही कहाँ दी जाती है, उसको ना मतलब पैर फैलाने से पहले उसके शादी ब्याह करके उसको फंसा दिया जाता है। तो ये तलाक वगैरह का भी सब हुआ, ये सब हुआ, उसने उसकी कहानी सबको सुनाई, मैंने नहीं पूछा और ना मैंने अपनी कहानी किसी को बताई, मैंने कुछ कभी किसी को मतलब नहीं बताया, क्योंकि मैं इसके बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, कितना नुकसान होता है, हमारा दुख भी जो है किसी से कभी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसकी स्टोरी पूरी तरह से तो नहीं सुनी, लेकिन उसको किसी उस मतलब उसी के हस्बैंड ने कुछ धोखा दिया और दूसरी शादी करके वो चला गया। अब इसकी बेटी है, इसकी जैसे मतलब जवानी जवानी में इसको बुढ़ापा आ चुका है धोखे की वजह से। तो उसने कहा मैंने जो है अपनी बिरादरी को ही छोड़ दिया है जो औरतों के साथ इतनी ज़ाक्तियाँ करते हैं। तो मुझे सचमुच लगा, मैंने कहा कि भाई आप जो हो मुस्लिम समाज से हो, धर्म से हो, अगर कोई हिंदू इसके बारे में बोलता है तो बात हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, मतलब धर्म के लिए बोल रहा है, ऐसे हो जाता है। आप मुझे यही कहना है मुस्लिम लेडीज़ से कि भाई कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद ही आपकी मदद करनी पड़ेगी, खुद ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद ही अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको वहाँ पे एज अ डिवाइन फेमिनाइन जन्म दिया गया है, आप खुद ही अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने जो भी औरतों के लिए कानून है उसके लिए आप खुद ही लड़ो, वो चैलेंज आपको दिया गया है, क्योंकि कौन क्या कर सकता है मुझे बताइए। मुस्लिम लेडीज़ के लिए अगर कोई हिंदू आवाज़ उठाने जाता है उसको, मैंने एक वीडियो में देखा कि एक लड़के ने जो है मुस्लिम लड़की को बोला वो बुरखा निकालो ऐसा कुछ, तो उसका खून हो गया ऐसा मैंने सुना। अभी क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानती, ओके, लेकिन बात होती है जब भी हिंदू मुस्लिम की बातें होती है तो लोग मुस्लिम हर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे धर्म के लिए कुछ गलत बोला जा रहा है। ऐसे में वहाँ की यार बुरा बहुत लगता है मुझे हर बार, किसी कोई भी बात हो के मतलब हमेशा औरतों की ही बलि चढ़ जाती है, धर्म के नाम पे भी किसी भी नाम पे भी। और मुझे उस मुस्लिम लेडी का बहुत बुरा लगा क्योंकि वो 5-6 बार मुझे दिखी, तो वो किस और वो बोल रही थी, मैंने उसको बोला छोड़ दो जाने दो, तुम अपनी वो कपड़े सीकर जो है कोर्ट केसेस में अपने पैसे डाल रही थी, और उसकी एक बेटी भी थी जो कि घर पे छोड़ के आई थी वो। और देखो मतलब कितने बुरे हालात, कपड़े सीकर वो पैसे कोर्ट में डाल रही है। मैंने कहा कि भाई तुम कोई अच्छा देख लो, उसके शादी कर लो और छोड़ दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। तो ये होती है डिवाइन फेमिनाइंस, ओके, वो कभी मतलब न्याय के लिए वो बहुत लड़ती है, अपनी आखिरी आखिरी सांस तक लड़ती है, उसको पैसे वैसे से कहीं लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसकी जो बात मैंने सुनी, जो उसने कहा कि मैंने अपनी बिरादरी तक को छोड़ दिया है जो औरतों पे जो है गलत अन्याय करते हैं, पूरा मतलब जैसे उसके चेहरे पे दिख रहा था, उसकी पूरी जवानी जो है राख हो गई थी, कुछ नहीं मिला सुख उसको जीवन में। तो वहाँ पे एक मराठा लेडी भी थी, मतलब मराठा कास्ट जो होता है ना हमारे महाराष्ट्रियन में, एक मराठा कुनबी ऐसे बोलते हैं, वो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तुम्हारे लोग तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी औरतें तो बहुत बेशर्म होती है, खुद का मर्द अगर किसी दूसरी औरत के साथ भी उनके आंखों के सामने सोता हो तो भी आप कुछ नहीं बोलती,
हमारे में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हमारे मर्द अगर कुछ बाहर लफड़ा भी कर लेते हैं तो वो शादी कभी भी नहीं करेंगे, लफड़े कितने भी करेंगे। तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी औरत तुम्हारे तो कितनी भी शादियाँ करते हैं। तो ऐसा सब चल रहा था। देखो बात किस्मत की है, कोई चार शादियाँ करके भी अच्छे से निभाता है, कोई एक शादी को भी बहुत अच्छे से नहीं निभा पाता, जैसे मेरा हिजड़ा हस्बैंड। ओके, मुझे इस जर्नी में जो भी मैं मुझे ये झेलना पड़ा इस 8-10 दिन में, 15 दिन में, मुझे वही दिखा रहे थे भगवान कि देखो ये औरतें न्याय मांग रही है बट इनको न्याय मिल नहीं रहा है, इनको जो है न्याय मिल नहीं रहा है, इनको न्याय चाहिए। और एक लेडी थी वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई जो कि लेडीज़ हॉल में ही रह रही थी। अब लेडीज़ हॉल में जो है भिखारियों के रहने की परमिशन नहीं है, पहले थी, पहले कोई भी वहाँ पे आके सो जाता था, बट अब परमिशन नहीं है कोरोना के बाद से। तो ये लेडी पता नहीं ना घर से झगड़ के आई है या क्या करके आई है, आई डोंट नो, बट वो ऐसा ड्रामा दिखाती थी कि वो बहुत झगड़ के आई है कोर्ट में, जैसा कुछ चल रहा है उसका, कुछ भी नहीं। ओके, वो वहाँ पे 24 घंटे बैठी रहती है, कोई अगर उसको खाने पीने का दे तो वो खाती पीती है, लोगों से ही सब कुछ मांग लेती है, जनरली ज़्यादा कुछ देता नहीं उनको, बट देता होगा कुछ 10-20 रुपये उसको मिलते होंगे। और मैंने भी उसको पैसे दिए 2-3 बार में गई, और उसके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा छोड़ो झगड़े, जाओ कुछ कमा के खाओ, इस तरह रेलवे स्टेशन पे अपनी ज़िंदगी मत बिताओ। मैंने उसको शिरडी जाने को भी कहा कि जाओ, तुमको खाने पीने को तो फ्री में मिल जाएगा, जाओ उधर। मैंने उसने कहा मैं गई थी लेकिन वहाँ तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है, मैं रहूँगी कहाँ पे? तो उसका प्रॉब्लम मेन यही था कि वो रहे कहाँ पे। और वो बोल रही थी कि कोई पता नहीं उसका कोई रिश्तेदार, उसने जो है कब्ज़ा कर लिया उसकी ज़मीन पर, और अब जो है वो बेघर हो गई है या उसके हाथ में कुछ पैसे नहीं है, सब कुछ, क्योंकि इसको लिखा पढ़ी नहीं आती तो कुछ सब कुछ उसने जो है अपने नाम पे करवा लिया या कुछ ऐसा। तो वो बोल रही थी मैं छोड़ूंगी नहीं उसको मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, एक रुपए नहीं दूंगी, मेरा एक रुपए वो कैसे ले सकता है। तो बस लेडीज़ यही चल रही है, यही उनका चल रहा है, झगड़ रही है, झगड़ रही है और झगड़ रही है। तो सारे कानून जो है सिर्फ नाम के लिए बने हैं लेडीज़ के लिए, रियल में कि उसको सिर्फ उल्लू बनाया जाता है कानून के नाम पे भी। तो भाई हर एक को अलग अलग चैलेंजेस दिए गए हैं, जो भी इसके ऊपर काम करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन जब बात डिवाइन फेमिनाइन पे आती है, डेफिनेटली वो जो मुस्लिम लेडी थी वो डिवाइन फेमिनाइन ही थी, और जिस तरह से वो बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसा तो कभी, आप कितना पढ़े हो, ऐसा तो कभी मैंने किसी मुस्लिम लेडीज़ को इतना खुले में और अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा। वो तो हमेशा अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकती। तो उसने कहा मैं अपनी बिरादरी से अलग हो चुकी हूँ, और वो ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने वो जो थी आवाज़ उठा रही थी, वरना उसकी जगह पे कोई होता तो शायद दूसरी तीसरी शादी कर लेता और बस गुजारा कर लेता, कभी न्याय के लिए नहीं लड़ता। लेकिन सच मुझे वो समझ में आया कि वो डिवाइन फेमिनाइन ही है, बट मैंने उसको दोस्ती वगैरह नहीं की मैंने, क्योंकि ये है दोस्तों कि मुस्लिम भी हिंदू से डरते हैं और हिंदू भी जो है मुस्लिम से डरते हैं। बट एक बहुत ही प्यारा सा एग्ज़ाम्पल मुझे इस जर्नी में भी मिला। मैं रेलवे में बैठी थी, मैं वापस आ रही थी, दिन की जर्नी थी। मेरे साइड में जो मतलब 3 सीट वाली चेयर थी वो रेलवे की, और बहुत आराम से मैं बैठी, मेरे साइड में एक कपल्स बैठे कि जो कि मुस्लिम थे और बूढ़े लोग थे वो, बट उनके चेहरे पे अलग ही तेज़ था, वो ऐसे नहीं थे आम लोगों की तरह नहीं थे, अलग ही विचारसरणी उनकी थी। शिरडी के बाबा को भी वो मानते थे, ऐसा नहीं कि मैंने उनके आगे बाबा का नाम लिया शिरडी का, उन्होंने खुद ही कहा कि शिरडी जाना हम जाते हैं हमेशा, और उनका सब कुछ मुझे अलग ही लगा, ऐसा लगा कि ये, और मेरे साथ भी बहुत प्यार से वो रह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे कितने हैं तुम्हारे, मैंने कहा नहीं है,
तो उन्हें कहा एक तो होना चाहिए, मैंने कहा शादी ही नहीं हुई मतलब उन्होंने शादी का छोड़ दिया और मुझे कहा तुम्हारा एक तो बच्चा होना चाहिए, बुढ़ापे में कौन करेगा। मतलब वो ऐसे केयर से, उस जैसे एक माँ को चिंता होती है ना, ऐसे चिंता उनके चेहरे पे दिख रही थी कि नहीं बेटा एक तो होना चाहिए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भाई बहनों के बच्चे हैं वही काफ़ी है। उन्होंने कहा नहीं अपना एक होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मैंने ऐसे ये कर दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो देखो शायद इसीलिए या एक डिवाइन सोल्स को हमेशा एक चैलेंज दिया जाता है। उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, इसीलिए वो हो सकता है वो दुनिया से ज़्यादा घुल मिल गए, साईं बाबा को मानने लगे, हर किसी से प्यार करने लगे। लेकिन वहीं पे अगर अपनी औलाद हो जाती है तो बस समेट के जीवन रह जाता है उसी के ऊपर, कि खुद का भी करना है उसका भी करना है, किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो बस यही हो गया सबका कि सब अपने उस बाल बच्चे में ही दुनिया देखते हैं, बाकी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं, बस मेरे बच्चे का ठीक ठाक से हो जाए सब कुछ। तो ब्रॉड माइंडेड थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। मैंने कोई पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं की अपनी, और उन्होंने मुझे जो है, मैं थोड़ा इरिटेट हो गई। उन्होंने मुझे वो गोलियाँ जो होती है लेमन की, ये संतरा गोलियाँ, वो ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर से ऑफ़र की, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा चिढ़ गई, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए अब ये भी लेमन की गोलियाँ क्यों दिखाई गई, इसका राज बताती हूँ। इतने में क्या हो गया, छोटा बच्चा, छोटा सा 1-2 साल का कुछ था, उसको फिट्स नहीं आए, उसको बुखार बहुत आया, पूरे फोड़े फोड़ क्या बोलते हैं, घमोरिया जैसा उसका हो गया था हाल। मैंने नहीं देखा क्योंकि रश बहुत था, वो भी मुस्लिम ही था। और उसको बुखार आया और झटके आने लगे उसको, तो पूरी ट्रेन डर गई हमारी। एक तो वो ट्रेन इतनी स्लो जा रही थी, लेट जा रही थी, और बच्चे को अचानक से कुछ हो गया, बहुत तेज़ बुखार उसको, और झटके आने लगे, तो बहुत बहुत डर गए सब, बहुत डर गए। और उतने में मैंने उनको कहा कि गोली जो है संतरे की, उसको आप ज़बान पे लगाओ। तो सचमुच मिरेकल हो गया, वो जो गोली थी संतरे की, मैंने उनको वो कहा कि आप इसको जो है ज़बान को लगाओ इस बच्चे के, और वो संतरा गोली उसने चाटी और उसको अच्छा हो गया यार, उसका मतलब चलने लगा फिरने लगा। तो हॉस्पिटल तुरंत जो भी नेक्स्ट स्टेशन आता है वहाँ पे उसको उतार के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वो संतरा गोली से सचमुच मिरेकल हो गया, वो अचानक से चलने फिरने लगा, ठीक हो गया। और बस अच्छा लगा मुझे उस कपल से मिलके, ऐसा लगा कि ये भी डिवाइन सोल्स है, क्योंकि जनरली ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते। एक होता है दोस्तों कि जहाँ भी डिवाइन फेमिनाइन होती है और अगर वहाँ पे कोई अन्याय हो रहा है, तो भले ही 3D में वो ना काम करे, लेकिन 5D में कहिए, या इसको 5D नाम बहुत अच्छा दिया गया लोगों को समझाने के लिए, बट सोल लेवल पर वो बहुत अच्छे से कवर कर लेती है, उसकी जो दैवी शक्ति होती है वहाँ पे न्याय करती है। अगर वहाँ पे कुछ अन्याय हो रहा है तो उनको सबक मिलता है, और अगर मतलब सही करते हैं, अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको प्राइज़ मिलेगा, उनको सब अच्छा होने लगेगा। लेकिन अगर किसी जगह अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे ठीक होने लगता है, सबक मिलने लगता है। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को जो है हर उस जगह भेजा जाता है जहाँ पे अन्याय हो रहा है, कोर्ट में हो, जैसे हॉस्पिटल में कितना गलत हो रहा है। मुझे उन लड़कियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आई थी, और यंग लड़कियां थी, मतलब इतनी यंग थी, मैं तो ठीक है मैं तो 40 के पास जा रही हूँ, मतलब मुझे लगा बाप रे, मतलब इन्होंने ECG कैसे करवाया ऐसे इंसान से। तो मुझे उनके लिए सचमुच बहुत बुरा लगा, बट ये बहुत ही गलत सिस्टम है। आई थिंक प्राइवेट में उतना नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि ECG करवाते कैसे है, तो प्राइवेट में शायद लेडीज़ होती होंगी, बट जो कि गवर्नमेंट में मैंने देखा कि वहाँ पे ब्लड टेस्ट भी जो करते हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया,
मेरी प्रॉब्लम है ओके, मैं इंजेक्शन को देख के मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो धीरे से ओके, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो फिर भी वो चुभाते हुए ही इंजेक्शन थोड़ा बहुत ऐसा अगर टेढ़ा हो जाए तो वो बहुत चुभता है। बिल्कुल गवर्नमेंट में जो है अच्छे से यार इंजेक्शन, मतलब उनकी फ़िक्स सैलरी उनको मिलती है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी को इंजेक्शन चुभ रहा है या बहुत इरिटेटिंगली वो उसको दे रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। या एज अ जोक मैं किस्सा सुनाती हूँ, बचपन में मेरे फादर मुझे ले गए हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो उनको पता था कि ये इंजेक्शन लेगी नहीं, तो डॉक्टर ने इसने सब इशारा किया कि इसको पकड़ना है, तो मुझे भी नहीं ऐसा दिखाया नहीं कि चुपचाप बोला कि इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो तो एक हाथ मेरा कंपाउंडर ने पकड़ा, दूसरा हाथ मेरे फादर ने पकड़ा, तीसरे हाथ से जो है डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, अब मेरे पास बचते हैं सिर्फ पैर। तो अच्छी खासी लंबी थी मैं, हाइटेड, तो मैंने उस डॉक्टर के सीने में ज़ोर से लात मारी, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया कि वो मुझे कैसे इंजेक्शन दे सकता है, वो उड़ के वहाँ पड़ गया, फिर भी उसने वो इंजेक्शन कंप्लीट कर लिया। बाद में मेरा गुस्सा निकला, मतलब मेरे फादर को पता था कि अब बाद में जो गुस्सा निकलेगा वो मेरे ऊपर निकलेगा, तो उससे पहले वो सेटिंग करके रखते थे, जो भी खाने पीने की चीज़ें मुझे पसंद थी वो लेके देते थे ताकि मैं चुप रहूँ, गुस्सा ना करूँ, तो ये होता था। मुझे इंजेक्शन से बहुत अभी भी डर लगता है, थरथर कांपने लगती हूँ मैं इंजेक्शन को देख के, बट जैसे तैसे मैं झेल लेती हूँ क्योंकि कई बार लाइफ में इंजेक्शन लेना पड़ चुका होता है। मुझे खून डोनेट करने का बड़ा शौक था, मतलब इच्छा थी, शिरडी में मैं गई और उन्होंने कहा जो एक ब्लड होता है ना, ब्लड से यहाँ पे खून काटते और वो हीमोग्लोबिन चेक करते, बाद में वो आपको जो है खून डोनेट करने की परमिशन देते हैं, तो मुझे लगा यहाँ पे सुई लगा के सलाइन से इंजेक्शन लेते दैट्स ओके, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस ब्लड को देखा कि वो मुझे काटेंगी मैंने इरादा कैंसिल कर दिया। मुझे बहुत डर लगता है उस चीज़ से जो ब्लड से काट, आज तक कभी भी मैंने उंगली से जो ब्लड कट करते हैं ना ऐसे कट करके थोड़ा सा खून लेते वो नहीं किया, तो कभी भी वो चेक करने आ जाते हैं ना हमारे यहाँ पे हाथी रोग, पता नहीं कौन कौन से रोग के लिए वो आते थे वो चेक करते थे, मैंने कभी भी उनको वो करने नहीं दिया, घर के सारे लोग करवाते थे, मुझे नहीं पसंद आता था, मैं बहुत डरती थी, मैंने कभी भी लाइफ में वो नहीं करवाया, कितना भी कुछ हो जाए मैंने करवाया ही नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। अभी जो सोल पर्पजेस दिखाए गए हैं, जैसे कि न्याय व्यवस्था जो है सिर्फ नाम के लिए बनी है, औरतों के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए सिर्फ नाम के लिए ही कानून बने हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, और जहाँ एक तरफ उसको संस्कार दिए जाते हैं, मुझे बताइए वो ECG में अगर मुस्लिम लेडीज़ भी जाती है तो उसको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो वो मुझे बोल रहा था अगर मेरी सगी बहन भी हो तो उसको भी यही करना पड़ेगा, तो तब कहाँ जाता है धर्म? आप आवाज़ नहीं उठा सकते कि लेडीज़ के लिए अलग से होना चाहिए, लेडीज़ का अलग डॉक्टर होना चाहिए, आप आवाज़ नहीं उठा सकते वहाँ पे, तो जो मुस्लिम लेडीज़ हो, यंग लेडीज़ हो, कोई भी लेडीज़ हो, सबके लिए एक ही था, और तब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, तब कोई नहीं उठाता आवाज़ तब, क्योंकि उनको सस्ते में ट्रीटमेंट मिल रहा है, तब आवाज़ नहीं उठाएंगे आप लोग। मुझे लगता है अगर आवाज़ ही उठानी है तो ऐसे सिचुएशन में उठानी है यार, जिसको मतलब अगर किसी लड़की को मॉडलिंग का शौक हो, अगर उसको शौक है बॉडी दिखाने का, तो उसके ऊपर सब टारगेट करेंगे, उंगली दिखाएंगे। यहाँ पे किसी लेडीज़ को शौक नहीं है अपनी बॉडी दिखाने का, तो उसको ज़बरदस्ती क्यों ये इस प्रोसेस में उतारा जा रहा है? तो ऐसी चीज़ों पे कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि मुझे पता है मैंने जब ये प्रॉब्लम अपनी किसी भी फ्रेंड से शेयर की तो उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम मतलब मेरे जो भी है
तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भी करवाया है, अब डॉक्टर और वकील के सामने कोई शर्म नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, ये गलत है, शर्म शर्म होती है, डॉक्टर और वकील से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब डिलीवरी होती है ना, जब किसी बच्चे को जन्म देना होता है, उस समय सचमुच शर्म नहीं होती है, क्योंकि वो जन्म और मरण का वो डॉक्टर जो है साक्षीदार होता है, वो आपको मृत्यु से बाहर निकालता है, एक माँ की तरह होता है। और एक जब एक लेडी होती है, जैसे 9 महीने की उसकी हालत देखिए, उस खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं, इतना बड़ा पेट निकला हुआ होता है, और उस बाल और बच्चा, जो माँ और बच्चा है, बस सेफली पैदा हो जाए, इतना काफ़ी होता है। तो एक होता है ना, एक और भी चीज़ बताती हूँ कि जो बूढ़ी लेडीज़ है, या जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए वो ईसीजी किसी के साथ भी करवाना, आई नो उनको भी थोड़ा अजीब लगेगा, बट थोड़ा सा तो ईजी है। बट जिनकी बिल्कुल अनमैरिड सी लड़कियां है, मेरे साथ तो अजीब ही केस है ना, मुझे मतलब मेरी माँ ने भी कभी टच नहीं किया, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। क्योंकि जो बिल्कुल अकेली सोती है, अकेली रहती है, पूरी ज़िंदगी अकेले में चली गई है, मेरी बाथरूम में भी कभी किसी ने एंट्री नहीं ली, तो मेरे लिए ज़्यादा वो ख़राब प्रोसेस हो सकता था। अगर किसी लेडीज़ के पास घर नहीं है, अब देखो कोरोना की वजह से तो वो रेलवे स्टेशन पे भी नहीं रह पाती, क्या दुनिया ने उसके लिए कौन सी जगह छोड़ी है कि वो वहाँ पे रहे आराम से। एक होता है औरतों का कुछ होता है गवर्नमेंट में, 45 ईयर्स तक लेडीज़ वहाँ पे आराम से रह सकती है, बट उसके बाद क्या। और एक तो बहुत बुरा केस मुझे मेरे सामने आया, वो कहाँ है मुझे पता नहीं। अगर मेरे हस्बैंड से मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं उनको अडॉप्ट करना चाहती हूँ। वो लेडीज़ एक 40 ईयर की थी, दूसरी 45 ईयर की थी, और उनकी एक जैसे 70-80 मतलब 80 साल की माँ उनके साथ थी। सोचो जिसकी उम्र जो है 80 साल है, और वो भीख मांगते थे दिन भर, और जो है रात को रेलवे स्टेशन पे सोते थे। जो दोनों यंग लड़कियाँ थी, दोनों ही लड़कियाँ, किसी ने काला जादू किया उनके ऊपर ऐसा कहना था, और दोनों की ही आंखें अंधी हो चुकी थी, और बहुत बुरा लगा मुझे दोनों की ही, एक भी नहीं, दोनों आंखें आंखें। देखिए ये काला जादू ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। माँ की, वो 80 साल की माँ की आंखें अच्छी है, लेकिन जो यंग लड़कियाँ थी उनकी आंखें ख़राब हो चुकी थी, दोनों ही लड़कियों की। अब वो माँ बेचारी 80 साल की उनको लेके जाती थी, भीख मांगती थी और रेलवे स्टेशन पे लाके छोड़ती थी, और जो छोटी वाली लड़की थी जो कि 40 साल की थी, उसको इतना ज़बरदस्त बुखार आया, इतना ज़बरदस्त आया, पेट में जलन होने लगी, और जो माँ है 80 साल की वो फूट फूट के रोने लगी, वो करे तो क्या करे। तो ऐसे में मुझे बहुत दया आई यार, कि इनके लिए सचमुच किया क्या जा सकता है। मैंने उनको कहा कि आप शिरडी में बाबा के पास चले जाओ, शरण में चले जाओ, उनके जो है वो संभाल लेंगे, भीख तो आप यहाँ भी मांगती हो, वहाँ पे मांगो, ऐसा मैंने उनको कहा। और पता नहीं उन्होंने क्या किया, फिर वो दिखी नहीं कभी, और 2-4 बार दिखी जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे जाती थी, 7-8 बार वो मुझे दिखी। और वो जो, क्योंकि मेरी 12 बजे तक ट्रेन होती थी, तो मैं सारे किस्से देख लेती थी रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है। उसको बहुत बुखार आया, मैंने साईं बाबा की ऊदी जो है, देखो यहाँ पे चमत्कार देखो, ओके, उसको इतना बुखार आया, और मैंने उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वो इतनी बुढ़ी, कहाँ वो लेके जाए हॉस्पिटल रात, वो भी इतनी नाइट को। और मैंने उनको जो साईं बाबा की ऊदी होती है, कोई लोग बबूती बोलती है, कोई अंगारा, कोई भस्म बोलता है, तो वो मैंने उनको दिया, और उसको कहा कि इसको पानी में डाल के पिलाओ। वो लड़की ने पानी में डाल के पिया, तुरंत उसका बुखार उतर गया, तुरंत उतर गया। मैंने उसको प्रे भी करवाया कि तुम बाबा से बोलो कि अगर मेरा बुखार उतरता है तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। तो उसने ऐसा, और दिल से उस भिकारण ने जो है दिल से प्रे किया बाबा से कि अगर मेरा बुखार उतरता है तो
तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। और मैंने उसको वो उदी पानी में डाली, उसको पिलाया, एक ही सेकंड में उसका बुखार उतर गया। और वो उसने मुझे सुबह, शायद मैं थी वहाँ पे नाइट में, उसने सुबह भी मुझे बोला कि आपके पास और एक पैकेट है क्या उस बबूति का, क्योंकि रात को जब आपने वो उदी मुझे पानी में डाल के पिलाई, मेरे पेट में इतनी जलन हो रही थी गर्मी से और बुखार भी उसको बहुत आया था। तो वो जलन भी शांत, बुखार तो चला ही गया, लेकिन वो जलन जो थी कई दिन से, या बुखार 2-3 दिन से होगा, वो जलन भी शांत हो गई और मैं सचमुच शिरडी जाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने मन ही मन में ये बना लिया था कि अगर मुझे, मेरे पास पैसे आते हैं तो, क्योंकि वो माँ तो पता नहीं, हो सकता है उनकी माँ, वो माँ मर चुकी हो, क्योंकि वो 80 साल की लेडी थी, और पता नहीं अब इन दो अंधी लड़कियों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और मैंने मन ही मन उसमें उस वक्त ठान लिया था कि अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं इनको, मतलब, अडॉप्ट कर लूँगी। तो मैंने सोचा भी, अगर मैं अभी भी मेरे हस्बैंड के जो डिवोर्स के बाद अगर मेरे पैसे आते हैं तो मैं उनको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहूँगी। मैं ये है कि मैं खुद काम नहीं कर सकती, लेकिन किसी हॉस्टल में कहीं पे उनको रख के उनके खाने पीने सब चीज़ों का खर्चा मैं देना चाहती हूँ। बट कोरोना के बाद से रूल्स चेंज हो गए हैं, अब वहाँ पे कोई भिखारियों को रहने सोने की परमिशन नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा